चलिए दोस्तों, कॉम्पिटिटिव तनवीर में आप लोग से एक नए वीडियो के साथ फिर दोबारा मुलाकात हो रही है। जैसा कि आप टाइप 9 तक कवर करवा लिए, टाइप 10वां है जिसका देखिए कह रहा है कि लाभ और हानि का वही मैथमेटिक्स चल रहा है, जिसमें देखिए जब दो वस्तु क्रयमूल ही दिया हो, जब दो वस्तु सीपी दिया हो। इससे प्रश्न है, देखिए प्रश्न है, रणवीर दो साइकिल क्रमशः एक 1200 रुपया में एगो 1500 रुपया में खरीद कर एक को 20% लाभ पर आ दूसर का के कितना प्रतिशत लाभ या हानि पर बेचे कि दोनों को साइकिल विक्रय मूल्य समान रहे। देखिए एक क्रय मूल्य है 1200 आ बेच रहा है 20% लाभ पर, एक क्रय मूल्य 1500 आ उसी को पूछ रहा है कितना प्रतिशत लाभ या हानि पर होगा। चलिए इस प्रकार से है, इस प्रश्न को देखिए डील करते हैं। पहले देखिए दो को क्रय मूल्य की बात है, देखा मतलब दो को विक्रय मूल्य है, पहला विक्रय मूल्य बराबर दूसर का विक्रय मूल्य, यह ना है। आपको विक्रय मूल्य के लिए बताइए कि विक्रय मूल्य बराबर की सी पी या गुने डब्लू भी, और फिर इधर यहो बात इधर हो तो वह होगा ना सी पी गुने डब्लू भी, और डब्लू भी तो अच्छा से बता दिए हैं डब्लू भी की होगा, अगर लाभ होगा तो डब्लू भी मतलब जोड़िएगा, वह हानि होगा तो घटाइएगा 100 से, वह है डब्लू भी होल वैल्यू है ना, होल वैल्यू वह है। अच्छा देखिए यहाँ सी पी, पहला सी पी कितने देने हैं 1200, तो लिख दीजिए 1200, अब पहला के 20% कथी देने हैं लाभ, पहला 20% लाभ है, और डब्लू भी तो एहन होगा लाभ होगा तो 100 में जोड़ दीजिएगा, हानि होगा तो 100 में घटा दीजिएगा, तो 20% लाभ है तो एक मतलब कितना हुआ 120/100 एना हो गया 120/100। अब बराबर इधर देखिए फिर सी पी देने हैं दूसर का कितने 1500, तो लिख दीजिए 1500 आगुने डब्लू भी दूसर का देखिए कर कितना प्रतिशत लाभ चाहे हानि हुआ, अगर मान लीजिए लाभ होता तो 100 में जोड़ते ना बटा तो 100 लिखबे करते, अब वह हानि होता तैयो तो 100 से घटेबे न करते, तो लाभ होगा जोड़िएगा हानि होगा तो घटाइएगा, यहाँ लिख देते हैं। अच्छा अब देखिए इसका 100 इसका 100 तो गया 12 मैंने 12 गुना कीजिएगा तो जाए 144 आ एगो 0 1440 बराबर। देखिए ई दू गो 0 ई दू गो 0 तो कटिए न गया, अब 15 एक काम कीजिए ना किए नहीं जो काट ले जाए कथिल फिर उधर जाएंगे तो ई ई 1440 लिखे ना छोड़ दीजिए, अभी ये जो काट लेते हैं 0 0 कट गया आ 120 है 15 1 15 15 8 120 ये जो हो गया, तो अब 12 8 96 कह लीजिए जा 96 अब बराबर इधर बचेगा 100 ± है ना लाभ चाहे हानि। अब देखिए 96 है आ 100 ± में इधर आ जाएगा माइनस में है ना घटेगा हियाँ, तो 100 में 96 का तो 4 आ प्लस है इधर माइनस में तो आएगा -4 में, एक मतलब की हुआ हानि हुआ है 4% हानि हुआ है कितना 4% हुआ हानि। चलिए दूसरा प्रश्न है कि हिटलर ने सिलाई की दो मशीन एक ही मूल्य पर बेची, सिलाई दो मशीन एक ही मूल्य पर बेची, पहली मशीन पर 20% का हानि, देखिए पहलुकवा पर हुआ है 20% हानि और दूसरका पर 25% लाभ, आ पहला के खरीदा था कितने में तो 6250 रुपये में, दूसर का कितने में खरीदेगा ये पूछ रहा है, तो बात तो यह हुआ ना एस पी या बराबर एस पी, तो एकरो कथी सी पी गुने डब्लू भी पहला के बराबर दूसर को तो सी पी गुने डब्लू भी एहन होगा, तो सी पी पहला के सी पी देने कितने 6250 आ गुने पहला कितने देने देखिए 20% हानि है, तो हानि होगा तो 100 से घटेबे ना कीजिएगा, 100 से घटाइए ना तो 20 में से 100 में से 20 गया ये तो बच गया 80/100 बराबर। फिर सी पी देखिए दूसर के तो सी पी निकालक है, दूसर के ने सी पी निकालक है, दूसर का सी पी गाय अगुने डब्लू भी दूसर का कितने देने हैं, डब्लू भी देखिए दूसर का कहने मतलब 20% हानि आ 25% यहाँ लाभ दूसर का लाभ देने तो जोड़ दीजिए 125/100 लाभ है जोड़ दीजिए। अच्छा ये हो गया, अच्छा गुने में तो है 1 0 1 0 कटिए गया नहीं कटिए गया, अच्छा 25 या एक काटिए 125 इकाई आ 125/625 यानी 50 आ 8/40 आ एगो एगो 2 0 यानी सी पी हो गया कितने 4000 रुपया ये आया करेंसर। देखिए आगे प्रश्न है कि हिटलर दो घर जिसमें से पहले को 800 रुपया दूसर का 100 रुपया में खरीदा, देखिए पहला का सी पी है 800 दूसर का सी पी है 100 रुपये, अब पहला कह रहा है 20% हानि पर
और दूसर का 20% लाभ पर बेचता है तो एक्स का मान कह रहा कितना होगा जब दोनों का विक्रय मूल्य हो जाए बराबर। तो बात तो वह हुआ ना हो सी पी अगुने डब्लू भी और बराबर फिर सी पी अगुने डब्लू भी। ये पहलुकवा के लिए पहला सी पी कितने 800 अगुने पहला का लाभ चाहे हानि कितने तो 20% हानि मतलब 80/100 और बराबर आ सी पी दूसरका सी पी है कितने एक्स अगुने दूसरका लाभ चाहे कितने 20% लाभ 120/100। तो ई एगो जीरो ई एगो जीरो खत्म तो ई एगो जीरो फिर एगो जीरो ये जो खत्म ऊपर 4 × 2 = 8 4 × 3 = 12 मतलब कितने 2 × 8 = 16 आ ई दू गो जीरो बराबर कितने 3x तो x बराबर 1600/3 1600/3 यानी 3×5 = 15 1×10 तो 3×3 = 9 1×10 × 3×3 = 9 533.33 लगभग इतना रुपया होगा क्रय मूल्य है दूसर का एक्स का मान होगा क्रय मूल्य तो 533.33। इसी प्रकार से कंपिटेटिव टाइम प्रत्येक दिन आपको वीडियो मिलता रहेगा। आज टाइप 10 है, अगले वीडियो में टाइप 11 के साथ मिलते हैं वही लाइफ और लाभ और हानि के साथ।